मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि चर्म रोग ऐसे तो साधारण रोग है, अगर इसका समय से इलाज ना हो तो ये बहुत भयंकर रूप ले सकता है। ये बार बार मैं इस कारण कह रहा हूँ क्योंकि आप सभी सचेत हो जाएं इससे। अब आइए आज के वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर किसी को चर्म रोग हो गया तो क्या क्या है ऐसे चीज जो उन्हें नहीं करना चाहिए, नहीं खाने चाहिए या उनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा, जिनको भी किसी भी तरह का चर्म रोग अगर हो गया है, किन्हीं को भी, तो उन्हें बीड़ी, सिगरेट, शराब, बियर, खैनी, चाय, कॉफी, भांग, गाजा तथा अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। उन्हें नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे अगर आपको चर्म रोग हो गया है तो और भी ज्यादा बढ़ेगा। बाजरे और ज्वार की रोटी नहीं खानी चाहिए। हालांकि आजकल बाजरे और ज्वार की रोटी खाने का चलन कम है, फिर भी बाजरे और ज्वार की रोटी नहीं खाएं अगर चर्म रोग किन्हीं को है तो। साथ ही शरीर की शुद्धता का ख्याल रखें। त्वचा रोग किन्हीं को हो जाने पे समय से सोना चाहिए, समय से उठना चाहिए, रोज नहाना चाहिए तथा धूप की सीधी किरणों के संपर्क से दूर रहना चाहिए। कभी भी धूप में नहीं बैठना चाहिए। अगर किसी भी तरह का आपको त्वचा रोग है तो धूप में ना बैठें। अगर आपको धूप सेकनी है, सर्दी का मौसम है, तो सुबह में 9 बजे से पहले वाला धूप लें और बिल्कुल शाम में 5 बजे के बाद वाला धूप लें। बीच में जो धूप होता है वो चर्म रोग के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि सूर्य से, जैसा कि आप जानते होंगे, अल्ट्रावायलेट किरण यानी कि पारा बैगनी किरण निकलती है, जो कि चर्म रोग के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। खाने में कभी भी अचार, नींबू, नमक, मिर्च, टमाटर तथा अन्य जो डीप फ्राई जिसे करते हैं जिसमें तेल ज्यादा होता है, ऐसे चीजों का प्रयोग कम करें। खट्टी चीजों का तो बिल्कुल ही प्रयोग ना करें। खट्टी चीजें खाने से चर्म रोग और तेजी से फैलता है। अगर किन्हीं को चर्म रोग है तो उन्हें अपने खाने पीने के बाद पचने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर उनका खाना नहीं पचता, उन्हें गैस होती है, तो उसका उपचार जल्दी से करना चाहिए। अगर खाना नहीं पचेगा तो चर्म रोग और भी जल्दी फैलेगा। क्या होता है कि जब आपका खाना नहीं पचता है तो वो चर्म रोग को दावत देता है, चर्म रोग को बुलाता है। बिल्कुल पेट अच्छे से साफ होना चाहिए, इससे चर्म रोग कभी नहीं होता है। अगर आपको या आपके परिवार में किन्हीं को भी चर्म रोग हो गया है तो उन्हें सोते समय गर्म दूध में हल्दी मिला के दें। गर्म दूध में हल्दी मिला के पीने से क्या होता है, चर्म रोग से लड़ने की क्षमता जो होती है शरीर के अंदर वो बढ़ती है, क्योंकि हल्दी आप सभी को पता होगा एंटीबायोटिक होता है। अगर आप दूध में हल्दी मिला के पियेंगे तो इससे आपको शक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही एंटीबायोटिक होता है हल्दी, आपको चर्म रोग ठीक करने में ये मददगार साबित होगा। तो मित्रों इन चीजों का ध्यान रखें, अगर किसी को चर्म रोग है तो उन्हें इन चीजों का सेवन ना करने दें। और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चल पाए कि चर्म रोग में क्या क्या चीजें वर्जित है, नहीं करनी चाहिए। तो मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें धर्म शिक्षा। धन्यवाद।